सीतापुर के जंगल में एक गरीब टूपी वाली चिड़िया जिनका नाम टुनी था। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो रोजाना ही टुपी बनाया करती थी। अरे अम्मा, ये टुपी कितने का दिया? कौन सा, ये बड़ा वाला? ओह, ये वाला टुपी 200 रुपया का है बेटिया। अम्मा, इसकी दाम थोड़ी कम कर दो। अम्मा, इतने से तो एक 80 टप मिल जाएगी। अम्मा, मैं इसकी 100 रुपया ही दूंगी। बेटी, यह टोपी बहुत अच्छी है। 100 रुपया बहुत कम होंगे बेटिया। तब 120 रुपये अम्मा, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है बेटिया, ले जाओ टोपी, ले लो टोपी, सुंदर सुंदर टोपी। टूनी सिरिया रोजाना ही टोपी बनाया करती थी, पर टोपी खरीदने वाला ग्राहक रोजाना ही मोल भाव किया करती थी, जिसके वजह से टूनी सिरिया की आमदनी दिन ब दिन खट्टी जा रही थी। माँ, अपने वो टोपी इतने कम दम में क्यों बेच दिया? अब तो बेटिया क्यों देख ही रही है, मेरी आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही है। जो भी लोग आती है मूल भाव कर जाती है, और अब तो ग्राहक भी कम होते जा रहे हैं। सभी को अब जो स्टाइलिश टोपी चाहिए। और हाँ बिटिया, मेरी आमदनी इतनी घट रही है, अब मैं क्या बताऊँ। तेरी ब्याह भी तो करनी है मुझे, अब तेरी ब्याह की चिंता ही सताई जा रही है मुझे। माँ, तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और वो कैसे बिटिया? माँ, मैंने सोचा है मैं कुछ खाने की चीज बेचूंगी, जिससे हमारी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। खाने की चीज? हाँ माँ, खाने का चीज ही आजकल ज्यादा चल रही है। मैं जब भी बाजार जाती हूँ ना, तो देखती हूँ सारे ठेले पर भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। हाँ वो तो है, पर टुनटुनी तो क्या बेचेगी? माँ, वो तो मुझे अब नहीं पता, पर 2-3 दिन में मैं जरूर कुछ ढूंढ लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे तेरे काम करने पे कोई